यो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट हरी और आप लोगों देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी हम खेल रहे हैं गरीना फ्री फायर का रैंक मैच और अभी हम जा रहे हैं फैक्ट्री पे। और गाइस, इधर मेरा और मेरी टीम का जो ओपी वाला नेट जो जाएगा वो आप आके देख ही सकते हो। तो चलो, अभी हम उतर रहे हैं फैक्ट्री पे। और इधर आपको बताऊँ तो आधे से ऊपर सर्वर इधर आया और इधर जो मेरी गेम अटकना शुरू हो गई। मैं कंट्रोलर से कंट्रोल करना चाहूँ फिर भी नहीं हुआ। और जो मेरा पिन 50 और 51 का पिन चल रहा था फिर भी पता नहीं क्यों लैग मार रहा है। हाईएस्ट पिन 75-200 है और कभी कभार तो नेट का पिन वैसा जा रहा था। और इसी के साथ हमारा साहिल भाई और ऋतिक भाई दोनों किल नॉक भी हो गए और किल भी हो गए। इधर मैं भागने की ट्राई करूँ, पता नहीं मुझे किसी ने पकड़ लिया हो, वैसी फीलिंग आ रही थी। और जो मेरा भाग नहीं पा रहा था मेरा आलोक, और इधर जो मैं कंट्रोलर से कंट्रोल करना चाहूँ फिर भी नहीं हो रहा था। और अभी मैं ऋतिक भाई ना, हम सभी इधर से निकल जाएंगे, गेम को क्विट करेंगे। क्योंकि गेम क्विट नहीं करते तो हमारा उधर से लैग मारना कम नहीं होता। और ये एक छोटी सी क्लिप थी जो मुझे आपको दिखानी थी। और ऋतिक भाई वापस ग्रुप में आकर हम दोनों ने कहा, बात अच्छी थी कि चलो तो भाई अब खेलना है कि नहीं। तो ऋतिक भाई ने कहा एक मैच लगा लेते हैं, लेकिन मैं ग्रुप बना रहा हूँ तो फिर हम उनके ग्रुप में जाएंगे। और अभी हम आपको सीधा उनके ग्रुप में मिलते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ TSG ऋतिक यानी ऋतिक भाई के ग्रुप में। और ऋतिक भाई ने मैच शुरू की है और अभी हम खेल रहे हैं रैंक मैच। और हमारे साथ दो रैंडम बंदे आएंगे। और पिछली बार जो हमारा ओपी नेट गया था और इसमें ऋतिक भाई कह रहे हैं कि मुझे अब खेलना ही नहीं है यार, वैसा करके जो चिल्ला रहे थे गेम में। और इधर भी उनका लोबी में भी ओपी वाला नेट जा रहा था, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और अब हम सीधा आपको मैच में मिलते हैं। गाइस, मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ऋतिक भाई अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे और मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और पीछे कुछ भी आवाज़ आए तो जाने देना क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन साइड है। और अभी हम वापस फैक्ट्री पर जाएंगे और इधर भी हमारा ओपी वाला मरेंगे इधर। और इधर भी हमारे टीम वाले का यानी ये ऋतिक भाई का नेट बीच में जा कर रहा था। और इधर भी मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा था, फिर मैं राउटर से कनेक्ट होके किया तो भाई राउटर भी वर्क नहीं कर रहा। राउटर का आपको इसके बाद की मैच में आपको पता चलेगा राउटर का। और गाइस, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आपके दोस्त के साथ भी शेयर करो अगर उनके साथ भी ऐसा ओपी वाला नेट जाता है। और गाइस, किसी को भी नुबड़ा बॉट मत कहो क्योंकि शायद उसका मोबाइल का प्रॉब्लम हो, 1 GB रैम में भी खेलता हो मेरी तरह, या फिर वो उसके मोबाइल में नेटवर्क का अच्छा खासा प्रॉब्लम हो। और इधर मुझे अच्छी खासी पढ़ते हुए और हम हीलिंग कर रहे हैं और इसको मैं 82 या वैसा कुछ डैमेज देता हूँ। और इधर ही हमारे ऋतिक भाई नॉक होते हुए और इधर हम भी नॉक होएंगे और ऋतिक भाई मारे गए बेचारे और इधर हम भी मारे जाएंगे। और इधर हम दोनों वापस बैक निकल जाएंगे और सीधा इधर मेरा थोड़ा मोबाइल उल्टा सीधा हो रहा था और हम दोनों इधर से बैक निकल रहे सीधा। हमको कुछ रैंक की पड़ी नहीं है अभी तो, उनको पड़ी है लेकिन मुझे अभी नहीं पड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी गोल्ड 2 पे हूँ इसलिए। और अब हम आपको सीधा हमारी अगली मैच में ले चलते हैं। गाइस, मैं अभी आपको लेके आया हूँ अगली मैच में और आप इधर देख ही सकते हो मेरा जो नेट ओपी वाला लैग मारेगा। अभी तो लोडिंग ले रहा है ये, हाँ अभी आ चुके। और गाइस, सीधे एंट्री 999 प्लस से हुई है और मैं आपको ये लोबी में ही दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी मेरा नेट यूज़ कर रहा हूँ, बाद में मैं अभी मेरा राउटर भी चेंज करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा राउटर चेंज करते हुए। वो तो नहीं दिखाऊँगा लेकिन क्योंकि बीच में थोड़ा मेरा इंपॉर्टेंट फाइल भी आती है इसलिए राउटर के कनेक्ट करने में। और इधर गाइस, मैं जो भी हेड बेड मार रहा हूँ इधर बीच में बंदे अटक रहे, वापस नॉर्मल हो रहे मेरा जो इधर ओपी वाला नेट गया है यार। और गाइस, ये क्लिप आपको पसंद आई और इसमें हम अगर बुइया ले पाते हैं तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और गाइस, इधर मैं अभी उतरने वाला हूँ पीक पे, लेकिन जो मेरा थोड़ा नेट लैग मारेगा वो आप ही देख लो, आगे मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप आगे देखने वाले हो इसलिए। और गाइस, हम इधर उतरने वाले थे पीक पे लेकिन हमने पीक पे टिक भी नहीं किया था और पता नहीं कैसे टिक हो गया। और अभी हम पीक की तरफ जाएंगे लेकिन इधर जो मेरा नेट लैग मार रहा है पिन, आप देख सकते हो 390, 180, 113। और इधर हम उतर रहे हैं और इधर आप देख सकते हो नीचे एक बंदा ऑलरेडी उतर रहा है और मैं भी क्या बंदर बोलने वाला था अभी। और इधर आप देख ही सकते हो किल पे किल हो रहे, किल पे किल गाइस।
और इधर जो बंदा मिलता है मैं उसको मार पाता हूँ कि नहीं, आप कमेंट करो यार। और गाइस अभी हम देखते हैं वो बंदा है या नहीं। अभी मेरा पहला मोटिवेट ये रहेगा कि मुझे गन ढूंढने, और इधर मुझे G18 अच्छी मिलती है। और इधर जो मेरा नेट अभी 999 प्लस हो गया था, 614 का पिन चल रहा है अभी, 365। और इधर जो मेरा HP जो बंदे ने खा ली है, 30 की HP रखी। और इधर हम उसमें से लूट कर रहे हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहा। और मेडिकेट अभी लगा लेंगे हम एक, तो अच्छा खासा हमको प्रोटेक्ट भी मिल जाएगा। और ये उठा रहे लेकिन नहीं आ रहा था, फिर हमने इधर एक के ले लिए और एक के को रिलोड कर देते हैं। और ये हम प्लाज्मा का फेंक देते सब कुछ, और इधर आके हम थोड़ा इनहेलर मेडिकेट ले लेते हैं, क्योंकि आगे हमको पता है हमारा नेट आगे इश्यू करेगा, तो थोड़ा ये सब कुछ रहना ही चाहिए हीलिंग के लिए। और स्ट्रोक हम नहीं उठाएंगे, इधर फोर्स कप हम लेने की ट्राई करेंगे लेकिन नहीं ले पाते, फिर मेहनत से ले लिया। हाँ, पिन का ये इधर जब भी इश्यू होता है तब हम कुछ ले नहीं पाते। गरीना वाले ने ये थोड़ा गलत किया है यार, कोई बंदे का मोबाइल का नेट का इश्यू हो तो यार वो क्या करेगा बेचारा। और अभी हम आगे लूटने जाएंगे, उधर भी हमको एक बंदा शायद मिलेगा, वो मैं आपको नहीं पूरा कंफर्म बताऊंगा मिलेगा या नहीं, मैं शायद बोलूँगा, क्योंकि आप एंड तक देखे रहो, वरना आप कोई एंड तक देखते नहीं हो। और यार मेरा थोड़ा चैनल की इंप्रेशन जाते हैं, तो इंप्रेशन जाने से गाइज मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें आपको क्या हुआ कि आपको मेरे वीडियोस नहीं मिल पाएंगे, और वीडियो नहीं मिल पाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नहीं रह पाएगा, और कॉन्टैक्ट नहीं रह पाएगा तो हम एक दूसरे से मिलेंगे कैसे। और इधर जब भी मेरा नेट जाता है और मैं मशरूम खाने का आता हूँ, तब मैं है ना आलू चालू करके ही लेता हूँ। और इधर हम ये M887 ले लेंगे, लेकिन नहीं ले पा रहे थे हम, इधर थोड़ी एक एमओ फेंक देंगे और ले लेंगे। और इधर हम 16 का पैकेट डाल के 30 का लेंगे, लेकिन 16 का ही आएगा बैग में वापस, फिर हम वापस डालेंगे तब हम 30 ले पाएंगे अभी इस बार, और तब तक हम नहीं ले पाएंगे। और अभी हम फोर्स कॉप ले लेंगे क्योंकि आगे कोई गन में ज़रूरत पड़ी तो, वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे आगे कहीं पर भी ज़रूर नहीं पड़ी थी। और अभी हम ये घर लूटने जाएंगे, और आप देख ही लो आगे क्या होता है। लेवल 1 का वेस्टेज है इधर, और इधर G18 है। और आगे हमको कौन दिखा बंदा, मैं सोच रहा हूँ कि गाइज ना मारूँ, लेकिन फिर उसका भी नेट का इश्यू था या मेरा इश्यू था, मुझे तो लगता है मेरा इश्यू था, क्योंकि वो अटक अटक के चल रहा था, मैं उसको डैमेज नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे रही थी फट रही थी मेरी, फिर मैंने सोचा चलना ये दे ही देता हूँ, तब मैंने 84 का और 92 का दिया था। बंदा एक ही गोली का था, वो बंदा भी हील करेगा अंदर जाके, और हम हमारी थोड़ी पोजीशन चेंज कर लेंगे, डॉच करेंगे उसको अलग अलग जगह से भी, और हम इधर से भी उसको डॉच करेंगे, फिर हम घर में घुसेंगे और उसको देखेंगे, तब उधर हम डॉच नहीं कर पाते, वो बंदा दिखा दिया, अरे नहीं लगी, लेकिन बंदे को लोकेशन पता चल चुकी है। अभी हम डॉच करेंगे, वापस जगह चेंज करेंगे, और हम ये जगह पे आते हैं, मुझे पता है ये नुबड़ी जगह है, लेकिन मैं इधर से सिर्फ उसको देखने वाला था, मुझे लगा कि वो बंदा ऊपर गया है, लेकिन वो ऊपर सीढ़ियों पे था बंदा। और जैसे ही कूदेगा हम उसको शायद पेल पाएंगे या नहीं भी पेल पाएंगे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप आगे देखो, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए। और इधर हमने बीट फायर देते हुए, और अभी हम इधर आएंगे और उसको देखेंगे बंदा है या नहीं। और वो कूदा और हमने इधर देना शुरू कर दी, 2 गोली में बंदा ख़त्म, और उसके पास शायद मेडिकेट नहीं थी। और गाइज इधर रडार में आप देख सकते हो 2 बंदे, तब मेरी और फटी क्योंकि इधर मेरा नेट का जो इश्यू था भाई साहब, और मैंने कैरेट लूटने से अच्छा मैंने बैटरी यही देखा कि घर में घुस के शांति से बैठा रहा। और इधर हमने एक डॉच फायर दिया, यानी फिर वो क्या कहते हैं बीट फायर दिया है, और जो बंदे इधर है तब मेरी फटी रही है गाइज। और एक बंदा जब मेरा पीछे से निकलता है तब मेरी बहुत फटती है, जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा, यानी दिखाऊंगा यानी आएगा ही अंदर आएगा इसमें। और हम इधर स्पेक्ट लेंगे, आएगा या नहीं, और इधर तो अभी कोई बंदा नहीं आएगा। और इधर हम थोड़ा हमारा वाईफाई भी चेंज करेंगे अभी, तो हम वाईफाई चेंज कर लेते हैं। पहले तो हम इधर हमारा साउंड बढ़ाएंगे मोबाइल का, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे साउंड हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाइज। और ये जो मैंने साउंड बढ़ाया वो आप देख ही सकते हो कि मैं कम रखता हूँ, इधर से गेम का साउंड भी बढ़ाऊँगा। और ये साउंड इफेक्ट बढ़ा दिया, म्यूज़िक कम रखो साउंड, और बंदे का वॉइस ज़्यादा रखो, क्योंकि टीममेट की आवाज़ भी कभी कभार आपको नहीं दिखेगी। और इधर जब ये बंदा दिखा था मुझे डर लगा था भयंकर वाला,
और मुझे लगा वो मुझ पे एम ले रहा है, लेकिन वो मुझ पे नहीं ले रहा था। और उसको 3 या 4 गोली में हमने उसको समाप्त कर दिया। और इधर जो मेरा नेट का इश्यू हो रहा था गाइस, अभी हम जाएंगे नीचे की ओर, और हम जाएंगे अभी नीचे थोड़ी देर के बाद, और हमने ये जाना शुरू कर दिया। और ऊपर भी एक बंदा था, पीछे भी एक बंदा था, और इधर एक तो एमओ भी हम आगे नहीं ले पा रहे, जो आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। और ऊपर से जोन यानी डेंजर जोन ने जो परेशान किया है गाइस, और तभी नेट का इश्यू भी था। और इधर मैं सोच रहा हूँ कि MP40 ले लूँ, लेकिन MP40 की सिर्फ एक पैकेट ही होती, इसलिए शॉर्ट गन ले लिया हमने। ऑलवेज गाइस, जब भी आप एक स्नाइपर गन हो आपके पास, तो आपके पास एक शॉर्ट रेंज की भी गन होनी चाहिए, क्योंकि आप बंदे को दूर से तो आप डैमेज दे सकते हो स्नाइपर गन से, लेकिन जब क्लोज में आएगा तब आपका क्या होगा। इसलिए आप हमेशा स्नाइपर के साथ एक क्लोज वाली भी रखो। और इधर एक बंदा है, मैंने को वैसा लगा था क्योंकि कुछ आवाज़ बावाज़ भी आ रही थी, उसका फुट स्टेप ना वैसा, और थोड़ा वो वियर्ड मोमेंट कर रहा था पता नहीं क्यों। और इधर हम वेस्टेज अपग्रेड करेंगे, और आप भी इधर देख सकते हो मेरा नेट का इश्यू। वेस्टेज अपग्रेड पहले हो जाता है, फिर मैं भागा तब उसने मैसेज दिया, हाँ भाई आपका लेवल 3 का सब कुछ हो चुका है। और अभी तक मुझे सिर्फ लेवल 1 की बाइक मिली है, और ये डबल मैगजीन ले लिया। और इधर से हम थोड़ा सा बीट फायर देने की ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम लूटेंगे अभी, और तभी हम एक बंदे को भी स्पेक्टेक करते यानी देखते उस बंदे को, तब हम उसको मारने की भी ट्राई करेंगे। लेकिन आप आगे देखते जाओ बंदे को। और गाइज शायद मैं इसमें सॉन्ग नहीं लग शायद नहीं यानी इसमें मैं सॉन्ग ही नहीं लगाऊंगा। और आपने देखा हो तो मैप पे उधर बंदा है, और ये आपने स्कोप खोल के भी दिया, उसको 48 का एक का ही डैमेज पड़ेगा सिर्फ। अभी हम उसको आगे जाके 69 और 70 का भी देंगे, एक ही गोली का बंदा है, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा जो नेटवर्क का इश्यू था, और इधर ग्लोअल भी नहीं छूट रही थी, फिर 2-3 सेकंड बाद छूटी। और अभी हम कवर में आ चुके हैं, और हम पीछे से भागेंगे क्योंकि हमारे पास ड्रैगनो की एमओ भी नहीं है, सिर्फ 17 एमओ है। और अभी हम पीछे से जाएंगे और हमारी बाउंड्री में देखेंगे भाई है 60 एमओ है तो हम ले पाएंगे नहीं। और इधर हमारा 99+ हो गया था, और अभी थोड़ा नेट कंट्रोल में आया है। अगर गाइस मैं इसमें बुझा लेता हूँ तो आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपके दोस्त के साथ भी ये स्ट्रीम शेयर करनी पड़ेगी। और अभी हम देखेंगे भाई कुछ आएगा या नहीं, तो इधर कुछ आता तो है ही नहीं क्योंकि बैग में इतनी जगह ही नहीं थी। बैग आप देख ही सकते हो कितनी खाली है, फिर भी नहीं आई। और अभी हम इधर लैंडमाइन लगा देंगे क्योंकि कोई भी बंदा लूटना है तो वो उसकी फटके मरे यानी लैंडमाइन फटे और वो मरेगा। और ऊपर से भी ये डेंजर जोन जो गाइस परेशान करता है यार, जब भी डेंजर जोन आता है तब मेरी बहुत फटती है क्योंकि मैं डेंजर जोन से बहुत बार मर चुका हूँ। ऑफ कैमरा मरा हूँ, ऑन कैमरा भी मरा हूँ, लेकिन ऑन कैमरा मैं पोस्ट नहीं कर पाता। और उधर हमने बंदे को स्पेक्टेक किया, और इधर मेरी बैटरी 20% हो चुकी थी, और इधर हम बंदे को डैमेज दे लेकिन मरेगा ही नहीं। अभी इधर मेरी 9 एमओ ही बाकी थी, तो मैंने सोचा कि भाई 1-2 गोली मार के और सीधा उसके पास जाएंगे गोल घूम के। फिर आप देख ही सकते हो कि पता नहीं उसको कैसे किल हो गया, लेकिन मेरी एमओ तो बिगड़ी, मुझे सिर्फ 3 एमओ ही देने की ज़रूरत थी। 3 में तो बंदा कोई भी अच्छा खासा मर जाता है। और इधर हम पेन भी नहीं ले पाते, मेडिकिट भी नहीं ले पाते, लेकिन हम मेडिकिट फिर भी लेने की ट्राई करेंगे। फिर राम भरोसे भी मैं छोड़ के चला जाता हूँ। और अभी हम आगे कैरेट लूटने जाएंगे, और उधर भी जो ओपी वाला मेरा नेट लैग मारता है गाइस। इधर मैं लूटूँ तो कुछ आ नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं टावर पे जाके मेरा थोड़ा वाईफाई राउटर चेंज कर लेता हूँ, यानी वाईफाई राउटर क्या नेट और राउटर अलग अलग करके हम कनेक्ट कर लेंगे। और इधर जो ओपी ग्लोबल की बौछार थी इसके बैग में, वो मुझे लेनी थी और मैं नहीं ले पाता, मुझे उसके लिए मेरा नेट पहले ठीक करना पड़ेगा। और इधर हम शॉटगन पे भी क्लिक करते हैं, शॉटगन की एमओ पे फिर भी नहीं आया। अभी हम स्टार वजह के हम करेंगे, और जो गाइस मेरा इधर हम नेट प्रॉपर करेंगे। तो इधर हम लूटने की ट्राई कर रहे थे हम, लेकिन नहीं लूट पाते। अब हम आरा नेट सीधा करके मिलते हैं आपको। इधर हमारा अच्छा हो चुका है, हमने राउटर के साथ कनेक्ट कर लिया है मोबाइल को। और इधर हम लूटने की ट्राई कर रहे थे, फिर भी नहीं लूट पा रहे। और इधर जो फ्री फायर मेरे साथ स्कैम करती है गाइस, आप देख ही सकते हो कि मुझे निकाल देंगे इसमें से, फिर वापस रिकनेक्ट करेंगे। आप देख ही सकते हो करीना वाला बहुत स्कैम करते हैं आजकल मेरे साथ।
अगर गरीना वाले आप देख रहे हो तो यार इतना लैग मत मराओ मोबाइल में। हमारा नेटवर्क का पिंग 50 पे चलता है, जब नेटवर्क फुल होता है फिर भी पिंग 400 500 600, कभी कभार तो 999 पे पूरी मैच चलती है। और उसमें बुइया भी ले पाते हैं, कभी कभार डिफीट भी हो जाती है, बीच में हैकर भी आ जाते हैं। अगर गरीना वाले आप देख रहे हो तो यार ये चीज़ को करो यार, हैकर को निकालो गाइस, कुछ भी करो लेकिन हैकर को निकालो। और हैशटैग हैकर की आईडी बैन कराओ, लिखो चैट में लिखो हैशटैग हैकर की आईडी बैन कराओ। और इधर हमने थोड़ा बूस्ट भी किया तो मोबाइल थोड़ा कम लैग मारे, और इधर जो मेरा मोबाइल ओवरहीट हो रहा है गाइस, ओपी वाला ओवरहीटिंग हो रहा है मोबाइल। और गरीना वाले भी हमको कहाँ पे पैदा करते वो भी आप देख लो सालो, यानी गरीना वालों को गाली नहीं दे रहा भाई, आईडी बैन बैन मत कराना। और गाइस मैंने आज तक कभी भी हैकिंग नहीं की, यानी ये गरीना में हैक आज तक मैंने कभी नहीं लगाया, मैंने मेरी मेहनत से खेला है, फिर भी मेरे पे रिपोर्ट आती है क्योंकि मैं उनको मार देता हूँ। और ख़ास करके मेरे एक दो दोस्त है वही डालते, वो कहते हैं भाई तू हमको क्यों मारता है साले कस्टम में। तो गाइस कस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि हम 1v1 यानी 1v1 क्या कस्टम, हम बरमूडा या पुर्गेटरी वैसा कोई कस्टम खेलते तो उसमें हमको टीम अप तो नहीं करनी चाहिए, आपको पता ही है, तो हम नहीं करते। तो मेरे दोस्त मुझ पर रिपोर्ट डालते थे, वैसे है मेरे दोस्त कुछ दोस्त है वो वैसा करते हैं, जो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन जिनको कह रहा वो समझ गए हैं। और मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी है जो मेरी हर बार मदद करते, वो रिपोर्ट डालते तो वो कहते हैं कोई बात नहीं उसमें क्या हुआ। अच्छे दोस्त है कुछ मेरे दो तीन, या वैसे है अच्छे दोस्त जो मैं उनका नाम भी नहीं ले, उनका नाम भी मैं नहीं लूँगा, वरना कुछ लोगों जो है मैंने अभी जो मेरे हेटर्स मैं आपको कहा उनकी जल जाएगी इसलिए। और वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, और उन लोगों ने भी कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो अच्छे लोग हैं जो उन्होंने तो सब्सक्राइब किया ही है, लेकिन जो एक दो ख़राब है वो सब्सक्राइब नहीं करते, वो मेरी वीडियो पे भी आके स्पैम की रिपोर्ट करते और एल्गोरिथम उसको स्पैम समझ के मेरा बंद करा देते वीडियो, कई वीडियो वैसी बैन हो चुकी है मेरी। और मेरा यूट्यूब करियर एक्चुअली 2018 से शुरू हो चुका है, और मैंने अभी अभी ग्रोथ लेना शुरू किया है, और इधर आप देख सकते हो मेरा लैंडमाइन एक्सप्लोजन हो चुका है। और अभी हम इधर जाएंगे आगे, देखेंगे भाई कोई बंदा है या नहीं। और गाइस इधर आप देख ही सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एक बंदा आएगा, और मैंने आलोक की रिंग नीचे चालू की थी, अब भी जाके ऊपर आके चालू हो चुकी है। और गाइस इधर जो मेरा मगज छटक रहा था यार, एक तो इमोट भी, दो इमोट है हमारे पास, बहुत इमोट भी नहीं है, हम सस्ता नशा करने वाले भी नहीं है क्योंकि नशा करना बहुत बुरी चीज़ है, और मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोले जा रहा हूँ। और आप देख सकते हो इधर बंदा भी भागेगा, अभी ये आ गया, देखो कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं पता नहीं, लेकिन बंदा है, और मेरे नेट के कारण वो कितनी स्पीड से भाग रहा है। और इधर मेरा 999 प्लस हो गया था, अभी 409 का पिन है, और इधर जो मेरी फट रही है गाइस खेलने में ओपी वाली फट रही है गाइस मुझे। और इधर मैं देखता हूँ कि लैंडमाइन एक्सप्लोजन हुई तो बंदा है तो है कहाँ पे, और अभी मुझे वॉइस ओवर करते हुए 18:39 हो चुकी है। और अभी तक आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी एक एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइबर से तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है गाइस। और गाइस अभी जल्दी मेरे 60 सब्सक्राइबर होने आए हैं, तो जल्दी से जल्दी 60 सब्सक्राइबर करा दो यार, यार प्लीज़ करा दो 60 सब्सक्राइबर बर। और इधर एक बंदे की फुट स्टेप आती है, और इधर मेरा जो नेट गया, और बंदा कहाँ से टपका कुछ पता नहीं है, और इसको मैं डैमेज भी देता हूँ वो भी मुझे डैमेज देता है, वो मेरा नेट के प्रॉब्लम के कारण मुझे नहीं दे पा रहा था, वो एक बेनिफिट था, लेकिन हम इधर से लूटेंगे, लूट भी नहीं हो पा रही है हमारी अच्छी खासी। और इधर हम SGM उठा रहे शॉट भी, वो भी नहीं उठा पा रहे, और हमारे सिर्फ 5 गोली है। फिर मैंने वापस सोचा ना भाई एंड जोन में फिर गोलियाँ का प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम इधर आ चुके हैं वापस, और हमने उठा लिया गन, अब हम आपको सीधा एंड जोन के अंदर मिलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं एंड जोन के अंदर, और अभी एंड जोन इधर बना है तो हम डबल डोर में पीछे की साइड से आ चुके हैं, और बाजू में ड्रॉप गिरा है, और अभी हम थोड़ी देर इधर कैंपिंग करेंगे, लेकिन बंदा नहीं आएगा, और
जब मुझे इधर कुछ सुनाई देगा तब मैं नीचे जाके बंदे को मारूंगा, और अभी जूम करके मैं देख लेता हूँ सोन मुझे परेशान तो नहीं करेगा ना आगे। और इधर हमने कर लिया है जूम थोड़ा, और अभी हम थोड़ी देर बैठते हैं इधर, थोड़ी देर यानी 2 से 5 सेकंड बैठेंगे अभी इधर। और जून भी पास आ रहा है, तब मेरी और भी ज़्यादा फट रही थी, और इधर मेरा नेट का पिन भी बहुत इश्यू कर रहा है। और इधर ही गाइस पास में ही बंदा है, तो हम इधर से देखने की ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं दिखता है मुझे बंदा, इसलिए मैं अभी पीछे की साइड से निकल जाऊँगा। पहले तो ऊपर जाके थोड़ा देखूँगा जोन किस तरफ है, इधर से बंदे को देखने की ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं दिखता। अब मैं सीधा पीछे से जोन के अंदर जाऊँगा, और मेरे नेट के इशू के कारण मुझे जोन भी बहुत कुछ डैमेज तो नहीं देगा। और ये बंदा इधर नेडिंग कर रहा है अंदर, और इधर हमने 2 दिए, और इधर पास में उसने पीछे नेट एक डाला, और उसने भी MP40 निकाली, और उसी के साथ हमने उसको किल करते हुए हमारा बुइया निकाल दिया है गाइस। और अगर गाइस आपको ये बुइया पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बहुत ही मेहनत से मैंने ये बुइया लिया है गाइस, ओपी नेट का इश्यू था, और इसका टाइटल भी हम वैसे ही कुछ रखेंगे 999 प्लस में बुइया, वैसा कुछ टाइटल हम रखेंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, धन्यवाद, जय हिंद।